डायग्राम के माध्यम से अक्षर और संख्याएं, लेटर्स एंड नंबर्स थ्रू टैनग्राम। इस वीडियो में हम टैनग्राम के माध्यम से अक्षर और संख्याएं बनाना सीखेंगे। बनी सोच रहा है कि टुक टुक बहुत होशियार है। हर बार वो अपनी चतुराई से मुझे प्रभावित करता है। चलो जरा एक बार और इसकी चतुराई को परखते हैं। तो बनी टुक टुक से एक पहेली पूछता है। मैं एक अंग्रेजी अक्षर हूँ। मैं उस जानवर का पहला अक्षर हूँ जिसे हड्डी खाना बहुत पसंद है, और मैं जैम के साथ खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ का अंतिम अक्षर हूँ। क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे इन आकारों की सहायता से बना सकते हैं? तो बच्चों, क्या आप इसमें टुक टुक की सहायता करना चाहते हैं? अति उत्तम। तो आप इस वीडियो को रोककर पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। टुक टुक सोचने लगता है और कुछ समय बाद वो बोलता है, ये अंग्रेजी का अक्षर डी है और मैं इसे इन आकारों की सहायता से बना सकता हूँ। ये सुनते ही बनी हैरान हो जाता है और पूछता है, कैसे? तब टुक टुक कहता है, बनी ऐसा जानवर जिसे हड्डी खाना बहुत पसंद है वो है कुत्ता यानी डॉग, और जैम के साथ खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है ब्रेड। तो डॉग का पहला अक्षर और ब्रेड का अंतिम अक्षर डी है, इसलिए अंग्रेजी अक्षर है डी। अब इन आकारों को देखो। यहाँ है दो छोटे त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स, एक मध्यम आकार का त्रिभुज, दो बड़े त्रिभुज, एक वर्ग यानी स्क्वायर और एक तिर्यक वर्ग यानी रोम्बॉइड। ये सभी टैनग्राम के टुकड़े हैं। अतः इन आकारों को अंग्रेजी अक्षर डी बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं इन आकारों पर इस प्रकार संख्याएं अंकित करूंगा। अब मैं आकार एक और दो को इस प्रकार रखूंगा, फिर आकार चार और छह को इस प्रकार रखूंगा, और अंत में आकार पांच, तीन और सात को इस प्रकार रखूंगा। देखो बनी, मैंने इस प्रकार अंग्रेजी अक्षर डी बनाया है। ये सुनकर बनी बोलता है, शानदार टुक टुक, तुम सच में बहुत होशियार हो। लेकिन मुझे यह बताओ, क्या हम टैनग्राम के उपयोग से सभी अंग्रेजी अक्षर बना सकते हैं? तब टुक टुक कहता है, हाँ, हम टैनग्राम के उपयोग से सभी अंग्रेजी अक्षर बना सकते हैं। चलो इसी के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ कि टैनग्राम के उपयोग से हम संख्याएं भी बना सकते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपनी सुविधा के लिए एक बार फिर हम इन आकारों पर इस तरह संख्याएं अंकित करेंगे। अब जीरो लिखने के लिए मैं आकार दो और छह को इस प्रकार रखूंगा, फिर आकार चार और एक को इस प्रकार रखूंगा, और अंत में पांच, सात और तीन को इस प्रकार रखूंगा। तो इस तरह मैंने संख्या जीरो बनाई है। और इसी प्रकार संख्याएं एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और नौ बनाने के लिए भी
मैं इन आकारों को इस प्रकार व्यवस्थित करूंगा। अतः टैनग्राम की सहायता से हम संख्याएं भी बना सकते हैं। ये कितना दिलचस्प है ना? सुनकर बनी बोला, हाँ, और ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी भी है। मैं इस टैनग्राम को अप्पू को दूंगा। ये उसकी समस्या सुलझाने के कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और तार्किक सोच के कौशल यानी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। तब टुक टुक ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बच्चों, हमें आशा है आप समझ गए होंगे कि टैनग्राम के माध्यम से अक्षर और संख्याओं को कैसे बनाया जाता है। आप भी टैनग्राम के उपयोग से अक्षरों और संख्याओं को अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलते हैं।